हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हम सबके प्यारे चैनल विवेक मिश्रा एचडी चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम विवेक मिश्रा, आप जुड़ चुके हैं हम सबके प्यारे चैनल विवेक मिश्रा एचडी चैनल में। तो आज के लिए हम फिर से नया वीडियो लेकर आए हैं एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स पर। पिछली वीडियो में आपने देखा था एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स के कुछ फर्स्ट वीडियो था एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का, उसमें आप इंट्रोडक्शन सीखे थे क्या एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, क्या मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स होता है, क्या मतलब आपने इंट्रोडक्शन पार्ट सीख लिया था। आज हम बात करने वाले मेनली रूप से लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो हेडिंग लगा लेंगे, प्यारा सा हेडिंग लगाएंगे, लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स नहीं जी, वेक्टर। और पढ़ती है मैट्रिक्स, क्या करें तुम लोग, पढ़ाते 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 सब 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 मैट्रिक्स से ही याद आता है। उस दिन तक तो मैट्रिक्स से ही याद आएगा। चल देखेंगे लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर, इसके बारे में हम परिभाषा बताएंगे, इसके बारे में एक दो एग्जांपल करवाएंगे। आज टोटल टॉपिक यही है। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा जाता है लेकिन आपके लिए हेल्पफुल होता है या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोगों के लिए खुशखबरी है, मैं मैथ के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी वीडियो अपलोड करता हूँ इसी चैनल पर। हम कहीं आपको नहीं जाना है, हमारे इसी प्यारे से चैनल पर केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ तीन के तीनों वीडियो बीएससी सेकंड ईयर के अपलोड होते हैं, आप आराम से देख सकते हैं। और जो मान लीजिए छोटी क्लास में हो आपके भाई बहन, आपके इंग्लिश ग्रामर हिंदी ग्रामर जो होता है वो भी अपलोड किया जाता है, जो कुछ मेन मेन चीज़ होती है वो भी अपलोड की जाती है, आप वहाँ से देख सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ, एक्टिव पैसिव वॉइस हुआ, नरेशन हुआ, और जैसा कि बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच हुआ, सबके बारे में अपलोड किया जाता है वीडियो, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे इसी में लीनियर डिपेंडेंट। ऑफ वेक्टर, लीनियर डिपेंडेंट ऑफ वेक्टर, लीनियर डिपेंडेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है लिखेंगे। सेट ऑफ, लिख रहे हैं फिर समझा रहे हैं, सेट ऑफ एन वेक्टर, एन वेक्टरों का ऐसा समूह जिसे मान लीजिए एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर डॉट 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 एक्स, मतलब सेट ऑफ एन वेक्टर्स एक्स वन एक्स टू डॉट 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 एक्स एन क्या कहलाता है, आर कॉल्ड आर कार्ड, या फिर जब सेट लगा है तो इज लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा एक बच्चन हो जाएगा, इस कार्ड लीनियर डिपेंडेंट इफ, कब यह लीनियर डिपेंडेंट कहलाएगा लेकिन कब, इफ देयर एग्जिस्ट जब क्या करेगा, एग्जिस्ट करना चाहिए, क्या हम कोई स्केलर मान लेते हैं, देयर एग्जिस्ट कोई स्केलर मान लीजिए आर, आर मान लीजिए आर स्केलर, के वन के टू के थ्री के एन तक मान लीजिए आप, के वन के टू के थ्री डॉट 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 के क्या होना चाहिए, नॉट आल इक्वल टू जीरो, ये सब क्या होना चाहिए, कॉमन नॉट आल जीरो, ये सब जीरो नहीं होने चाहिए, किस प्रकार सच दैट, ध्यान दीजिए कुछ समझ में आई थ्योरी नहीं है, पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा, समझा रहे हैं भैया काहे टेंशन ले रहे हो। सेट ऑफ एन वेक्टर, किसी एन वेक्टरों का ऐसा समूह जैसे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स वन डॉट 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 एक्स एन, इस कार्ड लीनियर डिपेंडेंट वाला लीनियर डिपेंडेंट कहलाएगा लेकिन कब, जब इस कार्ड कोई स्केलर या आर मान लीजिए के मान लीजिए आप स्केलर जो भी मानना हो, तो लीनियर डिपेंडेंट कब कहलाएगा, इफ देयर एग्जिस्ट आर स्केलर के वन के टू के थ्री के एन, ये जो इसके स्केलर है के वन के टू के थ्री है यह जीरो नहीं होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए,
जीरो नहीं होनी चाहिए। कैसे? आपको हम दिखा रहे हैं, मतलब टोटल योग तो जीरो होना चाहिए ऐसे, इस प्रकार से k1x या x1 मान लीजिए, k1x1 प्लस k2x2 प्लस k3x3, जो भी हमारे पिछले वीडियो को ना देखे हो, इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको जाकर देख लीजिए, वरना पछताओगे, वरना पछताओगे, क्योंकि बेसिक चीज जरूर देखनी चाहिए, ध्यान देना। तो k1 के इक्वल टू जीरो नहीं लगा है, मतलब इनका जो सम होगा वह जीरो आएगा, और k1 k2 k3 जो होगा वह जीरो नहीं होने चाहिए, यही अंतर होता है हमारा, लीनियर डिपेंडेंट है ये हमारा, अर्थात हमारे जितने भी स्केलर हैं, स्केलर यहाँ पर जीरो नहीं होते हैं लीनियर डिपेंडेंट में, जबकि जब हम देखेंगे लीनियर इंडिपेंडेंट में, लीनियर इंडिपेंडेंट में हमारे जितने भी स्केलर होंगे सब जीरो कहलाएंगे। ये सर कितना हुआ, यदि हमने कोई वेक्टर लिया x1 x2 x3 डॉट 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 xn तक, उसी के बाद हम कोई k1 k2 k3 कोई स्केलर लिया वो भी एंड सो ऑन kn तक तो लिया, लेकिन जो उसका सम किया जाता है पूरे सम का योग जीरो होना चाहिए, बट k1 k2 k3 so on kn का मान जीरो नहीं होना चाहिए, इतना नोट कर लीजिए, लीनियर इंडिपेंडेंट बताएं। अभी एग्जांपल कराएंगे, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आप लोगों को, नोट कर लिए, जल्दी बताइए, नोट कर लिए, बहुत अच्छे। चलिए अब हम बात करेंगे लीनियर इंडिपेंडेंट, किसकी, लीनियर इंडिपेंडेंट यो, आप लोग मिटा के मत बनाइएगा, नया नया लिखिएगा, सुंदर सुंदर, लीनियर इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर क्या कहलाता है, एनी सेट ऑफ एन वेक्टर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री सो वन एक्सएन, कोई एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्सएन तक क्या कहलाएगा, लीनियर इंडिपेंडेंट। लीनियर इंडिपेंडेंट कहलाएगा, कब कहलाएगा, इफ एंड ओनली इफ, आई डेवलप मतलब इफ एंड ओनली इफ, के वन एक्स वन प्लस के टू एक्स टू प्लस सो ऑन के थ्री ओके एन एक्स एन इक्वल टू जीरो। ये क्या सर, ये तो इसी पहले वाले में बता दिए था, पहले वाले में क्या बताया, सिर्फ इतना, यहाँ पर क्या होता है, वेयर जहाँ पर k1 इक्वल टू k2 इक्वल टू kn जो है ये क्या है, जीरो है, मतलब k1 k2 k3 सब क्या है, जीरो है, यहाँ पर स्केलर क्या हो रहे हैं, यहाँ पर जीरो आ रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, लीनियर इंडिपेंडेंट। अगर स्केलर जीरो नहीं होते हैं उसका सम जो जीरो होता है वह क्या कहलाता है, लीनियर डिपेंडेंट। समझ में आ गई बात, दोनों में अंतर मालूम चल गया, बहुत अच्छे, पढ़ने में बहुत अच्छे, अगर मालूम चल गया तो अच्छे बच्चे, नहीं मालूम चला तो मालूम चलने की कोशिश कीजिए। तो चलिए बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स की। तो हमारे पास हाजिर है एक दुलारा सा क्वेश्चन, आप लोग भी देख रहे होंगे, नटखट सा प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको आप लोग वीडियो को पोस्ट कीजिए, अपने मन से नोट कीजिए, जैसा कि हम बोलते थे थर्मोडायनेमिक्स में हलवा सवाल, वैसे यही है, मन मत चाहिएगा, हलवा सवाल खाने वाला नहीं है। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द वेक्टर एक्स वन इक्वल टू दिया गया, एक्स टू इक्वल टू भी दिया गया, आर लीनियरली डिपेंडेंट, हमें प्रूफ करना है ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा या नहीं होगा, हमें प्रूफ करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, प्रूफ कैसे करेंगे, मैं 5 मिनट 5 सेकंड टाइम देता हूँ, 1 2 3 4 5 नोट कर लिए, चलिए कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख दीजिएगा। अब हम कर रहे हैं, इसको हमने बताया कि जो योग होता है वह जीरो के इक्वल होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, मतलब एक्स वन, यही तो बताया था, के वन एक्स वन प्लस के टू एक्स टू अगर डॉट 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 के एन तक गए हैं तो वहां पर वो जीरो होते हैं, यहाँ पर दो ही हैं, ये क्या होंगे, जीरो होने चाहिए। यहाँ पर एक्स वन की जगह क्या है, हम रख देंगे 1, 2, 4 रखेंगे, बताइए रखेंगे कि नहीं रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, प्लस अभी के वन के टू जगह कुछ नहीं रख रहे हैं, अब एक्स टू जगह रखिए क्या है, 3, 6
इक्वल टू जीरो। अब के वन जगह क्या रखे, के टू जगह क्या रखे, इन दोनों का सम करने पे क्या आ जाए, जीरो। के वन जगह कुछ ऐसा रखिए, के टू जगह कुछ ऐसा रखिए, सम करने पे क्या आ जाए, जीरो आ जाए, क्योंकि यही होता है हमारी कंडीशन। तो के वन बराबर यदि हम रख दें थ्री, के वन बराबर क्या रख दें थ्री, थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा, थ्री वन जा थ्री इसके बराबर, थ्री टू जा सिक्स इसके बराबर, थ्री फोर जा, लेकिन ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, दोनों जुड़ करके ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर के टू जगह माइनस वन रखते हैं, जब माइनस वन रखेंगे तो ये माइनस निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, कट के जीरो। अब हम करा लेते हैं गुड़ा, क्या कराते हैं, ये हो जाएगा थ्री कामा सिक्स कामा फोर प्लस, इसका करा लीजिए माइनस थ्री कामा माइनस सिक्स कामा माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। आपको जैसे हमने बताया कि एडिशन ऑफ वेक्टर में, इसीलिए कहता हूँ पिछली वीडियो देख लिया करो, एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने बताया था करेस्पॉन्डिंग योग होता है, इसका योग इससे, इसका प्लस इससे, इसका सम इससे, योग प्लस सम। चलिए थ्री प्लस थ्री माइनस थ्री कामा सिक्स, बीच में प्लस होता है, माइनस सिक्स होगा, प्लस माइनस माइनस अर्थात टोटल क्या जाता है माइनस, समझ में आ रहा है, कम फोर होता है बीच में प्लस होता है माइनस ट्वेल्व, एक मिनट चार चाहे बारह होता है, यहाँ पर फोर का है लिखे, यहाँ पर क्या हो जाएगा ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, अर्थात यहाँ पर क्या आ गया जीरो कामा जीरो कामा जीरो इक्वल टू जीरो, अर्थात ये पूरा जीरो आ गया हमारा। अब हम यहां से देख सकते हैं K1 इक्वल टू थ्री आया और K2 इक्वल टू माइनस वन आया, जिसको रखने पर ये क्या हुआ, टोटल जीरो हो रहा है। अगर यहाँ पर K1 इक्वल टू जीरो और K2 इक्वल टू जीरो रखने पर ये जीरो होता तो वह लीनियर इंडिपेंडेंट होता। हमने बताया आप लोगों को लीनियर इंडिपेंडेंट कंडीशन K1 इक्वल टू जीरो, K2 इक्वल टू जीरो, K3n इक्वल टू भी जीरो होता है, ये लीनियर इंडिपेंडेंट कंडीशन होती है, जबकि यहाँ पर लीनियर डिपेंडेंट की कंडीशन ये होती है K1 K2 K3 जीरो नहीं होने चाहिए, हमने आपको बताया अभी। तो यहाँ पर देख रहे हैं K1 इक्वल टू क्या आया था हमारा थ्री, हम सिर्फ मार रख के देख रहे थे जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर ये जीरो हो रहा है तो हम बताएंगे कि ये क्या होगा K2 इक्वल टू माइनस वन, ठीक, हेंस हेंस X1 इक्वल टू वन टू फोर एंड X2 इक्वल टू थ्री सिक्स ट्वेल्व आर लीनियरली डिपेंडेंट, ये क्या है लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, बात समझ में आ गई, नोट कर लेंगे। देखिए भैया हमने क्या बताया कि यही तो होता है फॉर्मूला के वन एक्स वन प्लस के टू एक्स टू इक्वल टू जीरो, लीनियर इंडिपेंडेंट बोलता है के वन के टू जीरो रख देते हैं हमारा क्या आ जाता है लीनियर इंडिपेंडेंट, उसका भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, पहले इसको समझिए। तो के वन जी हमने क्या रखा थ्री रखा, के टू जगह माइनस वन रखा, क्यों, क्योंकि इसको प्लस करने के बाद जीरो आना चाहिए। अब यहाँ पर करके देख रहे हैं हमारा जीरो आ रहा है, जब ये जीरो आ रहा है तो यह क्या होगा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे बच्चों की तरह कर लिए, बहुत अच्छे। तो आइए देखते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने प्रकट हो चुका है, अब इसमें प्रूव कराना है व्हाट इज द लीनियर इंडिपेंडेंट, क्या ये लीनियर डिपेंडेंट होगा, दो हमारे दिए गए x1 x2 और ये प्रूव कराना है कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे या फिर नहीं होंगे। चलिए प्रूव करते हैं, आपके पास पिछली बार की तरह 5 सेकंड का टाइम, 1 2 3 4 एंड 5 सॉल्व कर लिए। चलिए अब हम सॉल्व कराते हैं, कह रहा है सो दैट द वेक्टर x1 इक्वल टू इतना x2 इक्वल टू इतना आर लीनियरली इंडिपेंडेंट या लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, यह हमको शो करना है। तो चलिए सॉल्यूशन हम इसका लिखते हैं, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, मान लेते हैं लेट, यहाँ पर वैसा नहीं करना है के वन के टू जो हम कुछ रख के इक्वल टू जीरो बनाना होगा, हम यहाँ पर मानेंगे क्योंकि प्रत्येक का इक्वल टू जीरो कर किया जाता है इसमें, लेट एनी स्केलर नंबर K1 एंड K2, हम K1 और K2 को स्केलर नंबर मान लेते हैं, तो इसमें क्या कंडीशन होती है आप लोग भली भांति जानते हैं, क्या जानते हैं कि K1 X1 इक्वल प्लस
के टू एक्स टू इक्वल टू जीरो, और प्रत्येक का इक्वल टू जीरो किया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रत्येक का इक्वल टू जीरो करते हैं, अभी से के रुगन के टू जीरो जीरो नहीं रखेंगे, हमने कुछ माना है। तो एक्स वन मान रख देंगे यहाँ से, के वन एक्स वन मान क्या होगा, वन टू थ्री, वन कामा टू कामा थ्री, ये होगा प्लस के टू। अब एक्स टू मान रख दीजिए, फोर कामा माइनस टू कामा सेवन। ठीक, अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। गुणा कैसे करेंगे, के वन कामा टू के वन कामा थ्री के वन प्लस फोर के टू कामा माइनस टू के टू कामा सेवन के। हम जानते हैं करेस्पॉन्डिंग प्लस करते हैं, इसका प्लस इससे, इसका प्लस इससे, कभी भी इसका प्लस पहले वाले से नहीं हो सकता है, तब आप गलत लगाएंगे। पहले वाला का पहले वाले प्लस होगा, ठीक, करेस्पॉन्डिंग होता है, बात समझ में आ रही है। तो ये क्या बनेगा, के वन प्लस फोर के टू इक्वल टू जीरो, या फिर पहले लिख ही लेते हैं, के वन प्लस फोर के टू कामा, यहाँ पर क्या बनेगा, टू के वन माइनस टू के टू, क्योंकि माइनस में प्लस माइनस माइनस, थ्री के वन ये प्लस ही है, ऐड हो जाएगा, सेवन के टू इक्वल टू जीरो। हम जानते हैं यहाँ पर यही तो होता है, जीरो कामा जीरो लिखिए या फिर जीरो लिखिए, प्रत्येक के लिए जीरो होते हैं यहाँ पर, सबके बराबर जीरो रख दीजिए, अगर जीरो एक ही जीरो रखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, तो सबका बराबर जीरो होता है, हाँ इसका बराबर जीरो, इसका बराबर जीरो, इसका भी बराबर जीरो, जबकि ऐसा डिपेंडेंट में नहीं होता था, आपने देखा था, क्योंकि वहां पर हमने K1 और K2 कुछ मान रख के हमें जीरो लाना होता था, इस ये कंडीशन होती थी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, K1 प्लस 4K2 इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या बना, 2K1 माइनस 2K2 इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ से बना थर्ड वाला, 3K1 प्लस 7K2 इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर थर्ड बना बना। अब हम यहां से देख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड से जब देखेंगे क्या मिला हमें, 2K1 ये माइनस है उठ जाएगा, 2K2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, अर्थात K1 इक्वल टू K2। जब K1 इक्वल टू K2 होगा, यहां पर ध्यान देंगे, जब K1 इक्वल टू K2 होगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या रखेंगे, K1 इक्वल टू K2 रख देंगे, अर्थात K1 जगह K2 रख दीजिए, K2 प्लस 4K2 इक्वल टू जीरो, यहां पर K2 प्लस 4K2 अर्थात 5K2 इक्वल टू जीरो, K2 इक्वल टू 5 का डिवाइड होगा तो जीरो। जब K2 इक्वल टू जीरो आ गया, K1 K2 बराबर है, K1 भी जीरो आएगा, जब K1 भी बराबर जीरो आएगा, फ्रॉम थर्ड देख लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड में देखेंगे इस K2 बराबर जीरो ही है, अर्थात 3K1 बराबर जीरो, कुछ नहीं, K1 K2 जीरो आ गया, कुछ नहीं करना बस। जहां यहां पर देख रहे हैं K1 भी जीरो आ रहा है, K2 भी जीरो आ रहा है, हमने आपको कंडीशन बताई थी लीनियर इंडिपेंडेंट में, K2 भी बराबर जीरो आएगा और K1 भी बराबर जीरो आएगा। यहाँ पे लिखेंगे, hence it's a linearly independent। याद रखना, क्वेश्चन बहुत आते हैं इस पर, नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। चलिए, तो आज का हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ, लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। रिवीजन कीजिए अच्छी तरह से, आप लोग अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा कुछ विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको हमेशा ये दिमाग में रखना चाहिए, आप ही करेंगे टॉप। तो इसी के शुभकामनाएं के साथ आज का वीडियो खत्म।